राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में हफ्ते भर से भले ही घना कोहरा छाया है, लेकिन फिर भी अभी तक एक भी दिन कड़ाके की सर्दी या फिर शीतलहर नहीं चली है। आज भी मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। अनुमान के मुताबिक इस साल दिसंबर में सर्दियां दिल्ली से दूर रहीं। करीब 6 साल बाद दिसंबर बिना शीतलहर के खत्म हो रहा है। इस बार नवंबर दिसंबर में एक दिन भी शीतलहर का प्रकोप नहीं रहा। एक्सपर्ट्स की माने तो नीनो के असर की वजह से ऐसा होने का अनुमान पहले से ही था। जनवरी के पहले हफ्ते में भी शीतलहर की संभावना नहीं है। आमतौर पर राजधानी में शीतलहर का प्रकोप दिसंबर के अंत और जनवरी के पहले 15 दिनों में देखने को मिलता है। इससे पहले 2017 में दिसंबर बिना किसी शीतलहर के गुजरा था। हालांकि बीते 2 दिनों से दिन के समय लोगों को अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही है। अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट हुई है। शनिवार को अधिकतम तापमान 20.3 डिग्री रहा, ये समस्या है। वहीं न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री रहा। शनिवार को अधिकतम तापमान 20.3 डिग्री रहा, जो कि सामान्य है। वह न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11.8 डिग्री रहा, ये सामान्य से 5 डिग्री कम है। हवा में नमी का स्तर 67 से 97% तक रहा। गाजियाबाद का अधिकतम तापमान 15.9, नरेला का 16.7 डिग्री रहा। ये दिल्ली एनसीआर के सबसे ठंडे इलाके रहे। मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार को घना कोहरा रहा। सुबह 8:30 बजे दिल्ली के मध्यम से घना कोहरा रहा। दिल्ली के आया नगर, सफदरजंग में विजिबिलिटी 200 मीटर और पालम और रिज में 1500 मीटर तक रही। सुबह 8:30 बजे के बाद विजिबिलिटी में सुधार होने लगा। पालम में ये 900 मीटर तक हो गई। अब रविवार को आंशिक बादल रह सकते हैं। सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा रह सकता है। अधिकतम तापमान 19 और न्यूनतम 11 डिग्री के आसपास रहेगा। साल के आखिरी दिन कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये कोहरे का सबसे हल्का अलर्ट होता है। वही 1 से 5 जनवरी तक अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री के आसपास रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 से 10 डिग्री तक रह सकता है। सुबह के वक्त की अगर बात की जाए तो हल्के से मध्यम कोहरा रहेगा। शनिवार को दिल्ली आने जाने वाली कुल 53 ट्रेनें प्रभावित रहीं। जानकारी के अनुसार 30 ट्रेनें दिल्ली लेट पहुंची तो 23 ट्रेनें नई दिल्ली स्टेशन से देरी से खुली। कोहरे का प्रकोप का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश की सबसे जरूरी ट्रेन यानी राजधानी भी घंटों लेट रही। राजधानी के पास भी इस कोहरे के प्रकोप का दूसरा विकल्प नहीं है, जिसकी वजह से ट्रेन लेट से पहुंच रही है। जम्मू तवी से नई दिल्ली आने वाली राजधानी 3 घंटे देरी से पहुंची। वहीं नई दिल्ली से खुलने वाली ट्रेनों की बात की जाए तो नई दिल्ली से राजेंद्र नगर पटना के लिए खुलने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया गया। ये ट्रेन 3 घंटा 20 मिनट देरी से खुली। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को 20 से अधिक फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी। सबसे ज्यादा दिक्कत सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आई। उसके बाद भी कोहरे का असर दिखा। हालांकि ज्यादा नहीं, किसी फ्लाइट के डाइवर्ट होने की सूचना अब तक नहीं मिली है। पिछले 5 दिनों की तुलना में शनिवार को एयरपोर्ट पर उड़ान भरने में कम दिक्कत आई है।